जय श्री राम दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल श्री गुरु चरण पर। जानते हैं क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मनुष्य को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अपने जीवन में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उस मनुष्य की वजह से दूसरे कितने खुश हैं। आज का पंचांग 10 मार्च 2022 दिन गुरुवार, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। आज रात्रि 2:57 से कल सुबह 5:34 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। रोहिणी नामक नक्षत्र कल सुबह 8:31 से कल सुबह 11:30 तक रहेगी। इसके बाद मृगशिरा नामक नक्षत्र प्रारंभ होगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से दोपहर 3:33 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:13 से दोपहर 1:01 तक रहेगी। आज चंद्रमा 11 मार्च 1:03 AM तक वृषभ राशि उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी। और आज सूर्य कुंभ राशि पर है, दिशा शूल दक्षिण। यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दही या जीरा खाकर घर से बाहर जाएं, लाभकारी होगा। चलिए मित्रों, अब शुरुआत करते हैं आपके अपने प्रिय राशि मेष राशि से। आज आप बदली हुई भूमिका में हैं। आप बेहतर वक्ता तो हमेशा से ही रहे हैं, अब आप बेहतर श्रोता भी बन गए हैं। अब सबको यह पता चल जाएगा कि आप आत्म केंद्रित नहीं हैं और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने की इच्छा रखते हैं। एक 40 वर्षीय महिला आपकी बहुत मदद करेगी। आपकी आंखें लेंस की तरह है और लंबे समय तक इससे काम लेने पर आपको इनकी साफ सफाई भी करनी चाहिए। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि गाइड्स के अनुसार वे भारी महसूस हो रही है। आपकी आंखों में कोई संक्रमण भी हो सकता है, जिसका पता शायद आपको अभी ना हो, लेकिन बाद में उसका पता चलने पर आप एकदम से चौंक पड़ेंगे। आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है, ऐसा आपको लगेगा। आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती है, क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं। आप कुछ मिलनसार नए लोगों या विदेशी प्रतिनिधियों से आज के दिन मिल सकते हैं। स्वतंत्र रूप से उन लोगों के साथ संवाद करें और जितनी उपयोगी जानकारी इकट्ठा कर सके करें, क्योंकि यह
आपकी परियोजना के पूरा होने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। किसी भी विचलित करने वाले परिदृश्य से परेशान न हो, जो कि आपके वरिष्ठ सहकर्मियों ने आपके लिए बनाया हो। आपका शुभ अंक होगा 1। शुभ रंग होगा लाल। आप आज हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, इससे बहुत ही फायदा होगा। मित्रों, इसी प्रकार की राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।